दोस्तों अगर आप भी गीता गोविंदम मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है साथ ही दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में तो पंद्रह अगस्त दो में रिलीज़ हुई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गीता गोविंदम इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं तो दोस्तों इस प्रकार यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना सुब्बा राजू वेनेला किशोर राहुल रामकृष्णा कल्याणी एन अभय बैठी गांधी आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में तो 10 में से 7.7 की दमदार आईएमडीबी रेटिंग भी इस मूवी को मिली हुई है साथ ही दोस्तों आपको बता दूँ 100 परसेंट रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 100 परसेंट रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ़्रेश बताया गया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में तो 80 परसेंट गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है तो दोस्तों इसी प्रकार यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर तो एक बार ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट बजट पाँच करोड़ के करीब रहा था साथ ही दोस्तों आपको बता दूं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ का कुल कारोबार भी किया था जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ का कुल कारोबार भी किया था दोस्तों अब बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी की कहानी को भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए दोस्तों इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है आधी रात को नित्य की कार खराब हो जाती है वह एक रायगिर विजय गोविंद से मदद मांगती है जो शर्त रखता है कि उसे एक बोतल शराब लानी होगी वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कुछ हफ्ते पहले विजय एक पारंपरिक व्याख्याता है जो एक मंदिर में गीता नाम की एक महिला को देखता है और उससे प्यार करने लगता है वह अपने गृह नगर काकीनाड़ा के लिए बस में चढ़ता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन श्रीसा की शादी तय हो गई है उसे पता चलता है कि गीता उसकी सह यात्री है अपने दोस्त के सुझाव पर विजय गीता से दोस्ती करता है और फिर उसे लुभाता है वह उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है जब वह सो रही होती है लेकिन ड्राइवर ठीक उसी पल ब्रेक लगाता है और विजय गलती से गीता को चूम लेता है गीता जाग जाती है और अपमानित महसूस करते हुए अपने भाई फणिंदर को मदद के लिए बुलाती है जब गीता विजय की सफाई सुनने से इनकार कर देती है तो वह पंडिंदर के उससे निपटने से पहले बस से कूद लगने वाली है। तो आप इस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को टेलीविजन के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी की क्लिप्स को इंस्टाग्राम एवं फेसबुक के माध्यम से भी एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर तो जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गीता गोविंदम मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा यह वीडियो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है साथ ही दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में तो 15 अगस्त 2018 में रिलीज हुई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गीता गोविंदम इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं तो दोस्तों इस प्रकार यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना सुब्बा राजू वेनेला किशोर राहुल राम कल्याणी एन अभय बेठी गांति आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में तो 10 में से 7.7 की दमदार आईएमडीबी रेटिंग भी इस मूवी को मिली हुई है साथ ही दोस्तों आपको बता दूं 100% परसेंट रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 100 परसेंट रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ़्रेश बताया गया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में तो 80 गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है तो दोस्तों इसी प्रकार यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर तो एक बार ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट बजट पाँच करोड़ के करीब रहा था साथ ही दोस्तों आपको बता दूं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ का कुल कारोबार भी किया था जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ का कुल कारोबार भी किया था दोस्तों अब बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी की कहानी को भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए दोस्तों इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है आधी रात को नित्य की कार खराब हो जाती है वह एक रायगिर विजय गोविंद से मदद मांगती है जो शर्त रखता है कि उसे एक बोतल शराब लानी होगी वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कुछ हफ्ते पहले विजय एक पारंपरिक व्याख्याता है जो एक मंदिर में गीता नाम की एक महिला को देखता है और उससे प्यार करने लगता है वह अपने नगर काकीनाड़ा के लिए बस में चढ़ता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन श्रीसा की शादी तय हो गई है उसे पता चलता है कि गीता उसकी सह यात्री है अपने दोस्त के सुझाव पर विजय गीता से दोस्ती करता है और फिर उसे लुभाता है वह उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है जब वह सो रही होती है लेकिन ड्राइवर ठीक उसी पल ब्रेक लगाता है और विजय गलती से गीता को चूम लेता है गीता जाग जाती है और अपमानित महसूस करते हुए अपने भाई फणिंदर को मदद के लिए बुलाती है जब गीता विजय की सफाई सुनने से इनकार कर देती है तो वह पंडिंदर के उससे निपटने से पहले बस से कूद लगने वाली है। तो आप इस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को टेलीविजन के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी की क्लिप्स को इंस्टाग्राम एवं फेसबुक के माध्यम से भी एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर तो जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गीता गोविंदम मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है साथ ही दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में तो पंद्रह अगस्त दो में रिलीज़ हुई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गीता गोविंदम इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं तो दोस्तों इस प्रकार यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना सुब्बा राजू वेनेला किशोर राहुल रामकृष्णा कल्याणी एन अबे बैठी गांति आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी की आई रेटिंग के बारे में तो 10 में से 7.7 की दमदार आई रेटिंग भी इस मूवी को मिली हुई है साथ ही दोस्तों आपको बता दूं 100% परसेंट रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 100 परसेंट रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ़्रेश बताया गया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में तो 80 गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है तो दोस्तों इसी प्रकार यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर तो एक बार ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट बजट पाँच करोड़ के करीब रहा था साथ ही दोस्तों आपको बता दूं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ का कुल कारोबार भी किया था जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ का कुल कारोबार भी किया था दोस्तों अब बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी की कहानी को भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए दोस्तों इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है आधी रात को नित्य की कार खराब हो जाती है वह एक रायगिर विजय गोविंद से मदद मांगती है जो शर्त रखता है कि उसे एक बोतल शराब लानी होगी वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कुछ हफ्ते पहले विजय एक पारंपरिक व्याख्याता है जो एक मंदिर में गीता नाम की एक महिला को देखता है और उससे प्यार करने लगता है वह अपने गृह नगर काकीनाड़ा के लिए बस में चढ़ता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन श्रीसा की शादी तय हो गई है उसे पता चलता है कि गीता उसकी सह यात्री है अपने दोस्त के सुझाव पर विजय गीता से दोस्ती करता है और फिर उसे लुभाता है वह उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है जब वह सो रही होती है लेकिन ड्राइवर ठीक उसी पल ब्रेक लगाता है और विजय गलती से गीता को चूम लेता है गीता जाग जाती है और अपमानित महसूस करते हुए अपने भाई फणिंदर को मदद के लिए बुलाती है जब गीता विजय की सफाई सुनने से इनकार कर देती है तो वह पंडिंदर के उससे निपटने से पहले बस से कूद भागने में सफल हो जाता है तो दोस्तों इसी प्रकार इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को टेलीविजन के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी की क्लिप्स को इंस्टाग्राम एवं फेसबुक के माध्यम से भी एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर तो जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गीता गोविंदम मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है साथ ही दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट के बारे में तो 15 अगस्त 2018 में रिलीज़ हुई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गीता गोविंदम इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं तो दोस्तों इस प्रकार यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना सुब्बा राजू वेनेला किशोर राहुल रामकृष्णा कल्याणी एन अबे बेटी गांति आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी की आई रेटिंग के बारे में तो 10 में से 7.7 की दमदार आई रेटिंग भी इस मूवी को मिली हुई है साथ ही दोस्तों आपको बता दूं 100% परसेंट रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 100 परसेंट रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ़्रेश बताया गया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में तो 80 गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है तो दोस्तों इसी प्रकार यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर तो एक बार ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट बजट पाँच करोड़ के करीब रहा था साथ ही दोस्तों आपको बता दूं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ का कुल कारोबार भी किया था जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ का कुल कारोबार भी किया था दोस्तों अब बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी की कहानी को भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्मी प्लस हॉट स्टार पर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए दोस्तों इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है आधी रात को नित्य की कार खराब हो जाती है वह एक रायगीर विजय गोविंद से मदद मांगती है जो शर्त रखता है कि उसे एक बोतल शराब लानी होगी वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कुछ हफ्ते पहले विजय एक पारंपरिक व्याख्याता है जो एक मंदिर में गीता नाम की एक मई को देखता है और उससे प्यार करने लगता है वह अपने नगर काकीनाड़ा के लिए बस में चढ़ता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन श्रीसा की शादी तय हो गई है उसे पता चलता है कि गीता उसकी सह यात्री है अपने दोस्त के सुझाव पर विजय गीता से दोस्ती करता है और फिर उसे लुभाता है वह उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है जब वह सो रही होती है लेकिन ड्राइवर ठीक उसी पल ब्रेक लगाता है और विजय गलती से गीता को चूम लेता है गीता जाग जाती है और अपमानित महसूस करते हुए अपने भाई फणिंदर को मदद के लिए बुलाती है जब गीता विजय की सफाई सुनने से इनकार कर देती है तो वह पंडिंदर के उससे निपटने से पहले बस से कूद भागने में सफल हो जाता है तो दोस्तों इसी प्रकार इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को टेलीविजन के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी की क्लिप्स को इंस्टाग्राम एवं फेसबुक के माध्यम से भी एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर तो जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गीता गोविंदम मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा यह वीडियो आपको काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है साथ ही दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में तो 15 अगस्त 2018 में रिलीज़ हुई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गीता गोविंदम इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसू राम ने जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं तो दोस्तों इस प्रकार यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना सुब्बा राजू वेनेला किशोर राहुल रामकृष्णा कल्याणी एन अबे बेटी गांति आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में तो 10 में से 7.7 की दमदार आईएमडीबी रेटिंग भी इस मूवी को मिली हुई है साथ ही दोस्तों आपको बता दूं 100% परसेंट रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 100 परसेंट रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ़्रेश बताया गया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में तो 80 गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है तो दोस्तों इसी प्रकार यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर तो एक बार ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों अब तो बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट बजट पाँच करोड़ के करीब रहा था साथ ही दोस्तों आपको बता दूं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ का कुल कारोबार भी किया था जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ का कुल कारोबार भी किया था दोस्तों अब बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी की कहानी को भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए दोस्तों इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है आधी रात को नित्य की कार खराब हो जाती है वह एक रायगिर विजय गोविंद से मदद मांगती है जो शर्त रखता है कि उसे एक बोतल शराब लानी होगी वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कुछ हफ्ते पहले विजय एक पारंपरिक व्याख्याता है जो एक मंदिर में गीता नाम की एक महिला को देखता है और उससे प्यार करने लगता है वह अपने गृह नगर काकीनाड़ा के लिए बस में चढ़ता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन श्रीसा की शादी तय हो गई है उसे पता चलता है कि गीता उसकी सह यात्री है अपने दोस्त के सुझाव पर विजय गीता से दोस्ती करता है और फिर उसे लुभाता है वह उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है जब वह सो रही होती है लेकिन ड्राइवर ठीक उसी पल ब्रेक लगाता है और विजय गलती से गीता को चूम लेता है गीता जाग जाती है और अपमानित महसूस करते हुए अपने भाई फणिंदर को मदद के लिए बुलाती है जब गीता विजय की सफाई सुनने से इनकार कर देती है तो वह पंडिंदर के उससे निपटने से पहले बस से कूद भागने में सफल हो जाता है तो दोस्तों इसी प्रकार इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को टेलीविजन के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी की क्लिप्स को इंस्टाग्राम एवं फेसबुक के माध्यम से भी एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर तो जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गीता गोविंदम मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा यह वीडियो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है साथ ही दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में तो 15 अगस्त 2018 में रिलीज़ हुई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गीता गोविंदम इस मूवी को डायरेक्ट किया है राम ने जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं तो दोस्तों इस प्रकार यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना सुब्बा राजू वेनेला किशोर राहुल रामकृष्णा कल्याणी एन अब बैठी गांति आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में तो 10 में से 7.7 की दमदार आईएमडीबी रेटिंग भी इस मूवी को मिली हुई है साथ ही दोस्तों आपको बता दूं 100% परसेंट रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 100% परसेंट रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में तो 80 परसेंट गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है तो दोस्तों इसी प्रकार यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी के ओ टी के बारे में तो यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म प्लस हॉट स्टार पर तो एक बार जरूर से जरूर कर लीजिएगा दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट पांच करोड़ के करीब रहा था साथ ही दोस्तों आपको बता दूं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ का कुल कारोबार भी किया था जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ का कुल कारोबार भी किया था दोस्तों अब बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी की कहानी को भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको ओ टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए दोस्तों इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है आधी रात को नित्य की कार खराब हो जाती है वह एक राहगीर विजय गोविंद से मदद मांगती है जो शर्त रखता है कि उसे एक बोतल शराब लानी होगी वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कुछ हफ्ते पहले विजय एक पारंपरिक व्याख्याता है जो एक मंदिर में गीता नाम की एक महिला को देखता है और उससे प्यार करने लगता है वह अपने नगर काकीनाड़ा के लिए बस में चढ़ता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन श्रीसा की शादी तय हो गई है उसे पता चलता है कि गीता उसकी सह यात्री है अपने दोस्त के सुझाव पर विजय गीता से दोस्ती करता है और फिर उसे लुभाता है वह उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है जब वह सो रही होती है लेकिन ड्राइवर ठीक उसी पल ब्रेक लगाता है और विजय गलती से गीता को चूम लेता है गीता जाग जाती है और अपमानित महसूस करते हुए अपने भाई फणिंदर को मदद के लिए बुलाती है जब गीता विजय की सफाई सुनने से इनकार कर देती है तो वह फणिंदर के उससे निपटने से पहले बस से कूद लगने वाली है। तो आप इस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को टेलीविजन के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी की क्लिप्स को इंस्टाग्राम एवं फेसबुक के माध्यम से भी एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर तो जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गीता गोविंदम मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा यह वीडियो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है साथ ही दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शांति फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में तो 15 अगस्त 2018 में रिलीज हुई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गीता गोविंदम इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं तो दोस्तों इस प्रकार यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना सुब्बा राजू वेनेला किशोर राहुल राम कल्याणी एन अभय बैठी गांति आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी की आई रेटिंग के बारे में तो 10 में से 7.7 की दमदार आई रेटिंग भी इस मूवी को मिली हुई है साथ ही दोस्तों आपको बता दूँ 100% परसेंट रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ़्रेश बताया गया है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 100% परसेंट रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में तो 80 परसेंट गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है तो दोस्तों इसी प्रकार यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिज़्नी प्लस हॉटस्टार पर तो एक बार जरूर से जरूर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 5 करोड़ के करीब रहा था साथ ही दोस्तों आपको बता दूं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ का कुल कारोबार भी किया था जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ का कुल कारोबार भी किया था दोस्तों अब बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी की कहानी को भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूँ यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट पर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए दोस्तों इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है आधी रात को नित्य की कार खराब हो जाती है वह एक रायगिर विजय गोविंद से मदद मांगती है जो शर्त रखता है कि उसे एक बोतल शराब लानी होगी वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कुछ हफ्ते पहले विजय एक पारंपरिक व्याख्याता है जो एक मंदिर में गीता नाम की एक महिला को देखता है और उससे प्यार करने लगता है वह अपने गृह नगर काकीनाड़ा के लिए बस में चढ़ता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन श्रीसा की शादी तय हो गई है उसे पता चलता है कि गीता उसकी सह यात्री है अपने दोस्त के सुझाव पर विजय गीता से दोस्ती करता है और फिर उसे लुभाता है वह उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है जब वह सो रही होती है लेकिन ड्राइवर ठीक उसी पल ब्रेक लगाता है और विजय गलती से गीता को चूम लेता है गीता जाग जाती है और अपमानित महसूस करते हुए अपने भाई फणिंदर को मदद के लिए बुलाती है जब गीता विजय की सफाई सुनने से इनकार कर देती है तो वह फणिंदर के उससे निपटने से पहले बस से कूद भागने में सफल हो जाता है तो दोस्तों इसी प्रकार इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को टेलीविजन के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी की क्लिप्स को इंस्टाग्राम एवं फेसबुक के माध्यम से भी एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर तो जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गीता गोविंदम मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा यह वीडियो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है साथ ही दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ दार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में तो 15 अगस्त 2018 में रिलीज हुई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गीता गोविंदम इस मूवी को डायरेक्ट किया है राम ने जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं तो दोस्तों इस प्रकार यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना सुब्बा राजू वेनेला किशोर राहुल राम कृष्णा कल्याणी एन अभय बैठी गांति आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी की आई रेटिंग के बारे में तो 10 में से 7.7 की दमदार आई रेटिंग भी इस मूवी को मिली हुई है साथ ही दोस्तों आपको बता दूं 100% परसेंट रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 100% परसेंट रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में तो एट्टी परसेंट गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है तो दोस्तों इसी प्रकार यह मूवी आपको भी काफ़ी ज्यादा पसंद आने वाली है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर तो एक बार जरूर से जरूर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट पांच करोड़ के करीब रहा था साथ ही दोस्तों आपको बता दूं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ का कुल कारोबार भी किया था जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ का कुल कारोबार भी किया था दोस्तों अब बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी की कहानी को भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए दोस्तों इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है आधी रात को नित्य की कार खराब हो जाती है वह एक रायगिर विजय गोविंद से मदद मांगती है जो शर्त रखता है कि उसे एक बोतल शराब लानी होगी वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कुछ हफ्ते पहले विजय एक पारंपरिक व्याख्याता है जो एक मंदिर में गीता नाम की एक महिला को देखता है और उससे प्यार करने लगता है वह अपने गृह नगर काकीनाड़ा के लिए बस में चढ़ता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन श्रीसा की शादी तय हो गई है उसे पता चलता है कि गीता उसकी सह यात्री है अपने दोस्त के सुझाव पर विजय गीता से दोस्ती करता है और फिर उसे लुभाता है वह उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है जब वह सो रही होती है लेकिन ड्राइवर ठीक उसी पल ब्रेक लगाता है और विजय गलती से गीता को चूम लेता है गीता जाग जाती है और अपमानित महसूस करते हुए अपने भाई फणिंदर को मदद के लिए बुलाती है जब गीता विजय की सफाई सुनने से इनकार कर देती है तो वह फणिंदर के उससे निपटने से पहले बस से कूद लगने वाली है। तो आप इस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को टेलीविजन के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी की क्लिप्स को इंस्टाग्राम एवं फेसबुक के माध्यम से भी एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर तो जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गीता गोविंदम मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा यह वीडियो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है साथ ही दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ दार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में तो 15 अगस्त 2018 में रिलीज़ हुई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गीता गोविंदम इस मूवी को डायरेक्ट किया है राम ने जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं तो दोस्तों इस प्रकार यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना सुब्बा राजू वेनेला किशोर राहुल राम कृष्णा कल्याणी एन अभय बैठी गांति आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी की आई रेटिंग के बारे में तो 10 में से 7.7 की दमदार आई रेटिंग भी इस मूवी को मिली हुई है साथ ही दोस्तों आपको बता दूं 100% परसेंट रोटेन टोमेटोस की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 100 परसेंट रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में तो 80 परसेंट गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है तो दोस्तों इसी प्रकार यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर तो एक बार जरूर से जरूर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट पांच करोड़ के करीब रहा था साथ ही दोस्तों आपको बता दूं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ का कुल कारोबार भी किया था जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ का कुल कारोबार भी किया था दोस्तों अब बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी की कहानी को भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटस्टार पर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए दोस्तों इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है आधी रात को नित्य की कार खराब हो जाती है वह एक रायगीर विजय गोविंद से मदद मांगती है जो शर्त रखता है कि उसे एक बोतल शराब लानी होगी वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कुछ हफ्ते पहले विजय एक पारंपरिक व्याख्याता है जो एक मंदिर में गीता नाम की एक महिला को देखता है और उससे प्यार करने लगता है वह अपने गृह नगर काकीनाड़ा के लिए बस में चढ़ता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन श्रीसा की शादी तय हो गई है उसे पता चलता है कि गीता उसकी सह यात्री है अपने दोस्त के सुझाव पर विजय गीता से दोस्ती करता है और फिर उसे लुभाता है वह उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है जब वह सो रही होती है लेकिन ड्राइवर ठीक उसी पल ब्रेक लगाता है और विजय गलती से गीता को चूम लेता है गीता जाग जाती है और अपमानित महसूस करते हुए अपने भाई फणिंदर को मदद के लिए बुलाती है जब गीता विजय की सफाई सुनने से इनकार कर देती है तो वह फणिंदर के उससे निपटने से पहले बस से कूद लगने वाली है। तो आप इस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को टेलीविजन के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी की क्लिप्स को इंस्टाग्राम एवं फेसबुक के माध्यम से भी एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर तो जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गीता गोविंदम मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा यह वीडियो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है साथ ही दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ दार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में तो 15 अगस्त 2018 में रिलीज हुई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गीता गोविंदम इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं तो दोस्तों इस प्रकार यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना सुब्बा राजू वेनेला किशोर राहुल रामकृष्णा कल्याणी एन अभय बैठी गांति आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में तो 10 में से 7.7 की दमदार आईएमडीबी रेटिंग भी इस मूवी को मिली हुई है साथ ही दोस्तों आपको बता दूं 100% परसेंट रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 100 परसेंट रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में तो 80 परसेंट गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है तो दोस्तों इसी प्रकार यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर तो एक बार जरूर से जरूर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट पांच करोड़ के करीब रहा था साथ ही दोस्तों आपको बता दूं Themes... इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ का कुल कारोबार भी किया था जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ का कुल कारोबार भी किया था दोस्तों अब बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी की कहानी को भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटस्टार पर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए दोस्तों इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है आधी रात को नित्य की कार खराब हो जाती है वह एक रायगीर विजय गोविंद से मदद मांगती है जो शर्त रखता है कि उसे एक बोतल शराब लानी होगी वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कुछ हफ्ते पहले विजय एक पारंपरिक व्याख्याता है जो एक मंदिर में गीता नाम की एक महिला को देखता है और उससे प्यार करने लगता है वह अपने गृह नगर काकीनाडा के लिए बस में चढ़ता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन श्रीसा की शादी तय हो गई है उसे पता चलता है कि गीता उसकी सह यात्री है अपने दोस्त के सुझाव पर विजय गीता से दोस्ती करता है और फिर उसे लुभाता है वह उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है जब वह सो रही होती है लेकिन ड्राइवर ठीक उसी पल ब्रेक लगाता है और विजय गलती से गीता को चूम लेता है गीता जाग जाती है और अपमानित महसूस करते हुए अपने भाई फणिंदर को मदद के लिए बुलाती है जब गीता विजय की सफाई सुनने से इनकार कर देती है तो वह फणिंदर के उससे निपटने से पहले बस से कूद लगने वाली है। तो आप इस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को टेलीविजन के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी की क्लिप्स को इंस्टाग्राम एवं फेसबुक के माध्यम से भी एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर तो जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गीता गोविंदम मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा यह वीडियो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है साथ ही दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में तो 15 अगस्त 2018 में रिलीज हुई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गीता गोविंदम इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं तो दोस्तों इस प्रकार यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना सुब्बा राजू वेनेला किशोर राहुल रामकृष्णा कल्याणी एन अभय बैठी गांति आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको दो घंटे और अड़तालीस घंटे और करीब देखने को मिल जाएगी दोस्तों, दोस्तों दो को मिल तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी की आई रेटिंग के बारे में तो 10 में से 7.7 की दमदार आई रेटिंग भी इस मूवी को मिली हुई है साथ ही दोस्तों आपको बता दूं 100% परसेंट रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 100% परसेंट रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में तो 80 परसेंट गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है तो दोस्तों इसी प्रकार यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर तो एक बार ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट ट पाँच करोड़ के करीब रहा था साथ ही दोस्तों आपको बता दूं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ का कुल कारोबार भी किया था जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ का कुल कारोबार भी किया था दोस्तों अब बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी की कहानी को भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होट स्टार पर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए दोस्तों इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है आधी रात को नित्य की कार खराब हो जाती है वह एक रायगिर विजय गोविंद से मदद मांगती है जो शर्त रखता है कि उसे एक बोतल शराब लानी होगी वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कुछ हफ्ते पहले विजय एक पारंपरिक व्याख्याता है जो एक मंदिर में गीता नाम की एक महिला को देखता है और उससे प्यार करने लगता है वह अपने गृह नगर काकीनाडा के लिए बस में चढ़ता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन श्रीसा की शादी तय हो गई है उसे पता चलता है कि गीता उसकी सहयात्री है अपने दोस्त के सुझाव पर विजय गीता से दोस्ती करता है और फिर उसे लुभाता है वह उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है जब वह सो रही होती है लेकिन ड्राइवर ठीक उसी पर ब्रेक लगाता है और विजय गलती से गीता को चूम लेता है गीता जाग जाती है और अपमानित महसूस करते हुए अपने भाई फणिंदर को मदद के लिए बुलाती है जब गीता विजय की सफाई सुनने से इनकार कर देती है तो वह फणिंदर के उससे निपटने से पहले बस से कूद लगने वाली है। तो आप इस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को टेलीविजन के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी की क्लिप्स को इंस्टाग्राम एवं फेसबुक के माध्यम से भी एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर तो जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गीता गोविंदम मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा यह वीडियो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है साथ ही दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में तो 15 अगस्त 2018 में रिलीज हुई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गीता गोविंदम इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं तो दोस्तों इस प्रकार यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना सुब्बा राजू वेनेला किशोर राहुल रामकृष्णा कल्याणी एन अबे बेटी गांधी आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में तो 10 में से 7.7 की दमदार आईएमडीबी रेटिंग भी इस मूवी को मिली हुई है साथ ही दोस्तों आपको बता दूं 100% परसेंट रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 100 परसेंट रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ़्रेश बताया गया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में तो 80 गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है तो दोस्तों इसी प्रकार यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर तो एक बार ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट ठ तो पाँच करोड़ के करीब रहा था साथ ही दोस्तों आपको बता दूं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ का कुल कारोबार भी किया था जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ का कुल का कारोबार भी किया था दोस्तों अब बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी की कहानी को भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होट स्टार पर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए दोस्तों इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है आधी रात को नित्य की कार खराब हो जाती है वह एक रायगिर विजय गोविंद से मदद मांगती है जो शर्त रखता है कि उसे एक बोतल शराब लानी होगी वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कुछ हफ्ते पहले विजय एक पारंपरिक व्याख्याता है जो एक मंदिर में गीता नाम की एक महिला को देखता है और उससे प्यार करने लगता है वह अपने गृह नगर काकीनाडा के लिए बस में चढ़ता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन श्रीसा की शादी तय हो गई है उसे पता चलता है कि गीता उसकी सहयात्री है अपने दोस्त के सुझाव पर विजय गीता से दोस्ती करता है और फिर उसे लुभाता है वह उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है जब वह सो रही होती है लेकिन ड्राइवर ठीक उसी पर ब्रेक लगाता है और विजय गलती से गीता को चूम लेता है गीता जाग जाती है और अपमानित महसूस करते हुए अपने भाई फणिंदर को मदद के लिए बुलाती है जब गीता विजय की सफाई सुनने से इनकार कर देती है तो वह फणिंदर के उससे निपटने से पहले बस से कूद लगने वाली है। तो आप इस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को टेलीविजन के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी की क्लिप्स को इंस्टाग्राम एवं फेसबुक के माध्यम से भी एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर तो जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गीता गोविंदम मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है साथ ही दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में तो पंद्रह अगस्त दो में रिलीज़ हुई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गीता गोविंदम इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं तो दोस्तों इस प्रकार यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना सुब्बा राजू वेनेला किशोर राहुल रामकृष्णा कल्याणी एन अबे बेटी गांती आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में तो 10 में से 7.7 की दमदार आईएमडीबी रेटिंग भी इस मूवी को मिली हुई है साथ ही दोस्तों आपको बता दूं 100% परसेंट रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 100% परसेंट रोटेन टोमेटोस की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में तो 80 परसेंट गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है तो दोस्तों इसी प्रकार यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी के ओ टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको ओ टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर तो एक बार ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का ट पाँच करोड़ के करीब रहा था साथ ही दोस्तों आपको बता दूं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ का कुल कारोबार भी किया था जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ का कुल कारोबार भी किया था दोस्तों अब बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी की कहानी को भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होट स्टार पर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए दोस्तों इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है आधी रात को नित्य की कार खराब हो जाती है वह एक रायगिर विजय गोविंद से मदद मांगती है जो शर्त रखता है कि उसे एक बोतल शराब लानी होगी वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कुछ हफ्ते पहले विजय एक पारंपरिक व्याख्याता है जो एक मंदिर में गीता नाम की एक महिला को देखता है और उससे प्यार करने लगता है वह अपने गृह नगर काकीनाडा के लिए बस में चढ़ता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन श्रीसा की शादी तय हो गई है उसे पता चलता है कि गीता उसकी सहयात्री है अपने दोस्त के सुझाव पर विजय गीता से दोस्ती करता है और फिर उसे लुभाता है वह उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है जब वह सो रही होती है लेकिन ड्राइवर ठीक उसी पर ब्रेक लगाता है और विजय गलती से गीता को चूम लेता है गीता जाग जाती है और अपमानित महसूस करते हुए अपने भाई फणिंदर को मदद के लिए बुलाती है जब गीता विजय की सफाई सुनने से इनकार कर देती है तो वह फणिंदर के उससे निपटने से पहले बस से कूद लगने वाली है। तो आप इस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को टेलीविजन के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी की क्लिप्स को इंस्टाग्राम एवं फेसबुक के माध्यम से भी एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर तो जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गीता गोविंदम मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है साथ ही दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट के बारे में तो 15 अगस्त 2018 में रिलीज़ हुई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गीता गोविंदम इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं तो दोस्तों इस प्रकार यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना सुब्बा राजू वेनेला किशोर राहुल रामकृष्णा कल्याणी एन अबे बेटी गांति आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में तो 10 में से 7.7 की दमदार आईएमडीबी रेटिंग भी इस मूवी को मिली हुई है साथ ही दोस्तों आपको बता दूं 100% परसेंट रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 100 परसेंट रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ़्रेश बताया गया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में तो 80 गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है तो दोस्तों इसी प्रकार यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी के ओ टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको ओ टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर तो एक बार ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का ठ पाँच करोड़ के करीब रहा था साथ ही दोस्तों आपको बता दूं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ का कुल कारोबार भी किया था जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ का कुल कारोबार भी किया था दोस्तों अब बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी की कहानी को भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटस्टार पर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए दोस्तों इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है आधी रात को नित्य की कार खराब हो जाती है वह एक रायगिर विजय गोविंद से मदद मांगती है जो शर्त रखता है कि उसे एक बोतल शराब लानी होगी वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कुछ हफ्ते पहले विजय एक पारंपरिक व्याख्याता है जो एक मंदिर में गीता नाम की एक महिला को देखता है और उससे प्यार करने लगता है वह अपने गृह नगर काकीनाडा के लिए बस में चढ़ता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन श्रीसा की शादी तय हो गई है उसे पता चलता है कि गीता उसकी सहयात्री है अपने दोस्त के सुझाव पर विजय गीता से दोस्ती करता है और फिर उसे लुभाता है वह उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है जब वह सो रही होती है लेकिन ड्राइवर ठीक उसी पर ब्रेक लगाता है और विजय गलती से गीता को चूम लेता है गीता जाग जाती है और अपमानित महसूस करते हुए अपने भाई फणिंदर को मदद के लिए बुलाती है जब गीता विजय की सफाई सुनने से इनकार कर देती है तो वह फणिंदर के उससे निपटने से पहले बस से कूद लगने वाली है। तो आप इस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को टेलीविजन के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी की क्लिप्स को इंस्टाग्राम एवं फेसबुक के माध्यम से भी एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर तो जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गीता गोविंदम मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा यह वीडियो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है साथ ही दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में तो 15 अगस्त 2018 में रिलीज हुई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गीता गोविंदम इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं तो दोस्तों इस प्रकार यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना सुब्बा राजू वेनेला किशोर राहुल रामकृष्णा कल्याणी एन अबे बेटी गांति आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में तो 10 में से 7.7 की दमदार आईएमडीबी रेटिंग भी इस मूवी को मिली हुई है साथ ही दोस्तों आपको बता दूं 100% परसेंट रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 100 परसेंट रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में तो 80 परसेंट गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है तो दोस्तों इसी प्रकार यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद वाली है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर तो एक बार जरूर से जरूर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट पाँच करोड़ के करीब रहा था साथ ही दोस्तों आपको बता दूं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ का कुल कारोबार भी किया था जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ का कुल कारोबार भी किया था दोस्तों अब बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी की कहानी को भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटस्टार पर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए दोस्तों इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है आधी रात को नित्य की कार खराब हो जाती है वह एक रायगीर विजय गोविंद से मदद मांगती है जो शर्त रखता है कि उसे एक बोतल शराब लानी होगी वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कुछ हफ्ते पहले विजय एक पारंपरिक व्याख्याता है जो एक मंदिर में गीता नाम की एक महिला को देखता है और उससे प्यार करने लगता है वह अपने गृह नगर काकीनाडा के लिए बस में चढ़ता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन श्रीसा की शादी तय हो गई है उसे पता चलता है कि गीता उसकी सहयात्री है अपने दोस्त के सुझाव पर विजय गीता से दोस्ती करता है और फिर उसे लुभाता है वह उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है जब वह सो रही होती है लेकिन ड्राइवर ठीक उसी पर ब्रेक लगाता है और विजय गलती से गीता को चूम लेता है गीता जाग जाती है और अपमानित महसूस करते हुए अपने भाई फणिंदर को मदद के लिए बुलाती है जब गीता विजय की सफाई सुनने से इनकार कर देती है तो वह फणिंदर के उससे निपटने से पहले बस से कूद लगने वाली है। तो आप इस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को टेलीविजन के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी की क्लिप्स को इंस्टाग्राम एवं फेसबुक के माध्यम से भी एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर तो जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गीता गोविंदम मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा यह वीडियो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है साथ ही दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में तो 15 अगस्त 2018 में रिलीज़ हुई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गीता गोविंदम इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसू राम ने जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं तो दोस्तों इस प्रकार यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना सुब्बा राजू वेनेला किशोर राहुल रामकृष्णा कल्याणी एन अभय बैठी गांति आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी की आई रेटिंग के बारे में तो दस में से सात की दमदार आई रेटिंग भी इस मूवी को मिली हुई है साथ ही दोस्तों आपको बता दूं 100% परसेंट रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 100% परसेंट रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में तो 80 परसेंट गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है तो दोस्तों इसी प्रकार यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर तो एक बार ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट ठ तो पाँच करोड़ के करीब रहा था साथ ही दोस्तों आपको बता दूं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ का कुल कारोबार भी किया था जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ का कुल कारोबार भी किया था दोस्तों अब बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी की कहानी को भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटस्टार पर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए दोस्तों इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है आधी रात को नित्य की कार खराब हो जाती है वह एक रायगिर विजय गोविंद से मदद मांगती है जो शर्त रखता है कि उसे एक बोतल शराब लानी होगी वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कुछ हफ्ते पहले विजय एक पारंपरिक व्याख्याता है जो एक मंदिर में गीता नाम की एक महिला को देखता है और उससे प्यार करने लगता है वह अपने गृह नगर काकीनाडा के लिए बस में चढ़ता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन श्रीसा की शादी तय हो गई है उसे पता चलता है कि गीता उसकी सहयात्री है अपने दोस्त के सुझाव पर विजय गीता से दोस्ती करता है और फिर उसे लुभाता है वह उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है जब वह सो रही होती है लेकिन ड्राइवर ठीक उसी पर ब्रेक लगाता है और विजय गलती से गीता को चूम लेता है गीता जाग जाती है और अपमानित महसूस करते हुए अपने भाई फणिंदर को मदद के लिए बुलाती है जब गीता विजय की सफाई सुनने से इनकार कर देती है तो वह फणिंदर के उससे निपटने से पहले बस से कूद लगने वाली है। तो आप इस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को टेलीविजन के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी की क्लिप्स को इंस्टाग्राम एवं फेसबुक के माध्यम से भी एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर तो जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गीता गोविंदम मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा यह वीडियो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है साथ ही दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में तो 15 अगस्त 2018 में रिलीज हुई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गीता गोविंदम इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं तो दोस्तों इस प्रकार यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना सुब्बा राजू वेनेला किशोर राहुल रामकृष्णा कल्याणी एन अबे बेटी गांति आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको दो घंटे और अड़तालीस मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी जी तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी की आई रेटिंग के बारे में तो 10 में से 7.7 की दमदार आई रेटिंग भी इस मूवी को मिली हुई है साथ ही दोस्तों आपको बता दूं 100 परसेंट रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 100 परसेंट रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में तो 80 परसेंट गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है तो दोस्तों इसी प्रकार यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी के ओ टी के बारे में तो यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म प्लस हॉट स्टार पर तो एक बार जरूर से जरूर कर लीजिएगा दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट पांच करोड़ के करीब रहा था साथ ही दोस्तों आपको बता दू इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक सौ बत्तीस करोड़ का कुल कारोबार भी किया था जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ का कुल कारोबार भी किया था दोस्तों अब बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी की कहानी को भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूँ यह मूवी आपको ओ टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए दोस्तों इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है आधी रात को नित्य की कार खराब हो जाती है वह एक राहगीर विजय गोविंद से मदद मांगती है जो शर्त रखता है कि उसे एक बोतल शराब लानी होगी वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कुछ हफ्ते पहले विजय एक पारंपरिक व्याख्याता है जो एक मंदिर में गीता नाम की एक महिला को देखता है और उससे प्यार करने लगता है वह अपने गृह नगर काकीनाडा के लिए बस में चढ़ता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन श्रीसा की शादी तय हो गई है उसे पता चलता है कि गीता उसकी सहयात्री है अपने दोस्त के सुझाव पर विजय गीता से दोस्ती करता है और फिर उसे लुभाता है वह उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है जब वह सो रही होती है लेकिन ड्राइवर ठीक उसी पर ब्रेक लगाता है और विजय गलती से गीता को चूम लेता है गीता जाग जाती है और अपमानित महसूस करते हुए अपने भाई फणिंदर को मदद के लिए बुलाती है जब गीता विजय की सफाई सुनने से इनकार कर देती है तो वह फणिंदर के उससे निपटने से पहले बस से कूद लगने वाली है। तो आप इस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को टेलीविजन के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी की क्लिप्स को इंस्टाग्राम एवं फेसबुक के माध्यम से भी एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर तो जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गीता गोविंदम मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा यह वीडियो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है साथ ही दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ दार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में तो 15 अगस्त 2018 में रिलीज हुई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गीता गोविंदम इस मूवी को डायरेक्ट किया है राम ने जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं तो दोस्तों इस प्रकार यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना सुब्बा राजू वेनेला किशोर राहुल राम कल्याणी एन अभय बैठी गांति आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी की आई रेटिंग के बारे में तो 10 में से 7.7 की दमदार आई रेटिंग भी इस मूवी को मिली हुई है साथ ही दोस्तों आपको बता दूँ 100% परसेंट रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 100% परसेंट रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में तो 80 परसेंट गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है तो दोस्तों इसी प्रकार यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म प्लस होट स्टार पर तो एक बार जरूर से जरूर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के के बजट बारे में। तो बजट बत्तीस करोड़ का कुल कारोबार भी किया था जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ का कुल कारोबार भी किया था दोस्तों अब बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी की कहानी को भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दूँ, यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस स्टार पर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए दोस्तों इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है आधी रात को नित्य की कार खराब हो जाती है वह एक रायगिर विजय गोविंद से मदद मांगती है जो शर्त रखता है कि उसे एक बोतल शराब लानी होगी वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कुछ हफ्ते पहले विजय एक पारंपरिक व्याख्याता है जो एक मंदिर में गीता नाम की एक महिला को देखता है और उससे प्यार करने लगता है वह अपने गृह नगर काकीनाडा के लिए बस में चढ़ता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन श्रीसा की शादी तय हो गई है उसे पता चलता है कि गीता उसकी सहयात्री है अपने दोस्त के सुझाव पर विजय गीता से दोस्ती करता है और फिर उसे लुभाता है वह उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है जब वह सो रही होती है लेकिन ड्राइवर ठीक उसी पर ब्रेक लगाता है और विजय गलती से गीता को चूम लेता है गीता जाग जाती है और अपमानित महसूस करते हुए अपने भाई फणिंदर को मदद के लिए बुलाती है जब गीता विजय की सफाई सुनने से इनकार कर देती है तो वह फणिंदर के उससे निपटने से पहले बस से कूद लगने वाली है। तो आप इस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को टेलीविजन के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी की क्लिप्स को इंस्टाग्राम एवं फेसबुक के माध्यम से भी एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर तो जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गीता गोविंदम मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा यह वीडियो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है साथ ही दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ दार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में तो 15 अगस्त 2018 में रिलीज हुई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गीता गोविंदम इस मूवी को डायरेक्ट किया है राम ने जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं तो दोस्तों इस प्रकार यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना सुब्बा राजू वेनेला किशोर राहुल राम कल्याणी एन अभय बैठी गांति आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी की आई रेटिंग के बारे में तो 10 में से 7.7 की दमदार आई रेटिंग भी इस मूवी को मिली हुई है साथ ही दोस्तों आपको बता दूं 100% परसेंट रोटन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ़्रेश बताया गया है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 100% परसेंट रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में तो एट्टी परसेंट गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है तो दोस्तों इसी प्रकार यह मूवी आपको भी काफ़ी ज्यादा पसंद आने वाली है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर तो एक बार जरूर से जरूर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 5 करोड़ के करीब रहा था साथ ही दोस्तों आपको बता दूं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ का कुल कारोबार भी किया था जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ का कुल कारोबार भी किया था दोस्तों अब बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी की कहानी को भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए दोस्तों इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है आधी रात को नित्य की कार खराब हो जाती है वह एक राहगीर विजय गोविंद से मदद मांगती है जो शर्त रखता है कि उसे एक बोतल शराब लानी होगी वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कुछ हफ्ते पहले विजय एक पारंपरिक व्याख्याता है जो एक मंदिर में गीता नाम की एक महिला को देखता है और उससे प्यार करने लगता है वह अपने गृह नगर काकीनाडा के लिए बस में चढ़ता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन श्रीसा की शादी तय हो गई है उसे पता चलता है कि गीता उसकी सह यात्री है अपने दोस्त के सुझाव पर विजय गीता से दोस्ती करता है और फिर उसे लुभाता है वह उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है जब वह सो रही होती है लेकिन ड्राइवर ठीक उसी पर ब्रेक लगाता है और विजय गलती से गीता को चूम लेता है गीता जाग जाती है और अपमानित महसूस करते हुए अपने भाई फणिंदर को मदद के लिए बुलाती है जब गीता विजय की सफाई सुनने से इनकार कर देती है तो वह फणिंदर के उससे निपटने से पहले बस से कूद लगने वाली है। तो आप इस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को टेलीविजन के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी की क्लिप्स को इंस्टाग्राम एवं फेसबुक के माध्यम से भी एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर तो जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्ट वीडियो के के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गीता गोविंदम मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है साथ ही दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट के बारे में तो पंद्रह अगस्त दो में रिलीज़ हुई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गीता गोविंदम इस मूवी को डायरेक्ट किया है राम ने जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं तो दोस्तों इस प्रकार यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना सुब्बा राजू वैनिला किशोर राहुल राम कल्याणी एन अभय बैठी गांति आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी की आई रेटिंग के बारे में तो 10 में से 7.7 की दमदार आई रेटिंग भी इस मूवी को मिली हुई है साथ ही दोस्तों आपको बता दूं 100% परसेंट रोटन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ़्रेश बताया गया है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 100% परसेंट रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में तो एट्टी परसेंट गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है तो दोस्तों इसी प्रकार यह मूवी आपको भी काफी ज्यादा पसंद आने वाली है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर तो एक बार जरूर से जरूर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 5 करोड़ के करीब रहा था साथ ही दोस्तों आपको बता दूं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ का कुल कारोबार भी किया था जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ का कुल कारोबार भी किया था दोस्तों अब बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी की कहानी को भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए दोस्तों इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है आधी रात को नित्य की कार खराब हो जाती है वह एक रायगिर विजय गोविंद से मदद मांगती है जो शर्त रखता है कि उसे एक बोतल शराब लानी होगी वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कुछ हफ्ते पहले विजय एक पारंपरिक व्याख्याता है जो एक मंदिर में गीता नाम की एक महिला को देखता है और उससे प्यार करने लगता है वह अपने गृह नगर काकीनाडा के लिए बस में चढ़ता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन श्रीसा की शादी तय हो गई है उसे पता चलता है कि गीता उसकी सह यात्री है अपने दोस्त के सुझाव पर विजय गीता से दोस्ती करता है और फिर उसे लुभाता है वह उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है जब वह सो रही होती है लेकिन ड्राइवर ठीक उसी पर ब्रेक लगाता है और विजय गलती से गीता को चूम लेता है गीता जाग जाती है और अपमानित महसूस करते हुए अपने भाई फणिंदर को मदद के लिए बुलाती है जब गीता विजय की सफाई सुनने से इनकार कर देती है तो वह फणिंदर के उससे निपटने से पहले बस से कूद लगने वाली है। तो आप इस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को टेलीविजन के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी की क्लिप्स को इंस्टाग्राम एवं फेसबुक के माध्यम से भी एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर तो जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गीता गोविंदम मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा यह वीडियो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है साथ ही दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ दार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में तो 15 अगस्त 2018 में रिलीज हुई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गीता गोविंदम इस मूवी को डायरेक्ट किया है राम ने जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं तो दोस्तों इस प्रकार यह मूवी आपको काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना सुब्बा राजू वेनेला किशोर राहुल रामकृष्णा कल्याणी एन अभय बैठी गांति आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में तो 10 में से 7.7 की दमदार आईएमडीबी रेटिंग भी इस मूवी को मिली हुई है साथ ही दोस्तों आपको बता दूं 100% परसेंट रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 100 परसेंट रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ़्रेश बताया गया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में तो 80 गूगल यूजर्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है तो दोस्तों इसी प्रकार यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर तो एक बार ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट सेठ पाँच करोड़ के करीब रहा था साथ ही दोस्तों आपको बता दूं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ का कुल कारोबार भी किया था जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ का कुल कारोबार भी किया था दोस्तों अब बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी की कहानी को भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटस्टार पर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए दोस्तों इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है आधी रात को नित्य की कार खराब हो जाती है वह एक रायगिर विजय गोविंद से मदद मांगती है जो शर्त रखता है कि उसे एक बोतल शराब लानी होगी वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कुछ हफ्ते पहले विजय एक पारंपरिक व्याख्याता है जो एक मंदिर में गीता नाम की एक महिला को देखता है और उससे प्यार करने लगता है वह अपने गृह नगर काकीनाडा के लिए बस में चढ़ता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन श्रीसा की शादी तय हो गई है उसे पता चलता है कि गीता उसकी सह यात्री है अपने दोस्त के सुझाव पर विजय गीता से दोस्ती करता है और फिर उसे लुभाता है वह उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है जब वह सो रही होती है लेकिन ड्राइवर ठीक उसी पर ब्रेक लगाता है और विजय गलती से गीता को चूम लेता है गीता जाग जाती है और अपमानित महसूस करते हुए अपने भाई फणिंदर को मदद के लिए बुलाती है जब गीता विजय की सफाई सुनने से इनकार कर देती है तो वह फणिंदर के उससे निपटने से पहले बस से कूद लगने वाली है। तो आप इस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को टेलीविजन के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी की क्लिप्स को इंस्टाग्राम एवं फेसबुक के माध्यम से भी एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर तो जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गीता गोविंदम मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा यह वीडियो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है साथ ही दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में तो 15 अगस्त 2018 में रिलीज हुई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गीता गोविंदम इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं तो दोस्तों इस प्रकार यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना सुब्बा राजू किशोर राहुल रामकृष्णा कल्याणी एन अभय बैठी गांधी आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में तो 10 में से 7.7 की दमदार आईएमडीबी रेटिंग भी इस मूवी को मिली हुई है साथ ही दोस्तों आपको बता दूँ 100 परसेंट रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ़्रेश बताया गया है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 100 परसेंट रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में तो 80 परसेंट गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है तो दोस्तों इसी प्रकार यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर तो एक बार ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट सेठ पाँच करोड़ के करीब रहा था साथ ही दोस्तों आपको बता दूं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ का कुल कारोबार भी किया था जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ का कुल कारोबार भी किया था दोस्तों अब बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी की कहानी को भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटस्टार पर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए दोस्तों इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है आधी रात को नित्य की कार खराब हो जाती है वह एक रायगिर विजय गोविंद से मदद मांगती है जो शर्त रखता है कि उसे एक बोतल शराब लानी होगी वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कुछ हफ्ते पहले विजय एक पारंपरिक व्याख्याता है जो एक मंदिर में गीता नाम की एक महिला को देखता है और उससे प्यार करने लगता है वह अपने नगर काकीनाडा के लिए बस में चढ़ता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन श्रीसा की शादी तय हो गई है उसे पता चलता है कि गीता उसकी सह यात्री है अपने दोस्त के सुझाव पर विजय गीता से दोस्ती करता है और फिर उसे लुभाता है वह उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है जब वह सो रही होती है लेकिन ड्राइवर ठीक उसी पर ब्रेक लगाता है और विजय गलती से गीता को चूम लेता है गीता जाग जाती है और अपमानित महसूस करते हुए अपने भाई फणिंदर को मदद के लिए बुलाती है जब गीता विजय की सफाई सुनने से इनकार कर देती है तो वह फणिंदर के उससे निपटने से पहले बस से कूद लगने वाली है। तो आप इस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को टेलीविजन के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी की क्लिप्स को इंस्टाग्राम एवं फेसबुक के माध्यम से भी एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर तो जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गीता गोविंदम मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा यह वीडियो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है साथ ही दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में तो 15 अगस्त 2018 में रिलीज हुई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गीता गोविंदम इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं तो दोस्तों इस प्रकार यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना सुब्बा राजू वैनिला किशोर राहुल राम कल्याणी एन अबे बेटी गांती आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में तो 10 में से 7.7 की दमदार आईएमडीबी रेटिंग भी इस मूवी को मिली हुई है साथ ही दोस्तों आपको बता दूं 100 परसेंट रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 100 परसेंट रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ़्रेश बताया गया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में तो 80 गूगल यूजर्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है तो दोस्तों इसी प्रकार यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर तो एक बार ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट ठ पाँच करोड़ के करीब रहा था साथ ही दोस्तों आपको बता दूं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ का कुल कारोबार भी किया था जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ का कुल कारोबार भी किया था दोस्तों अब बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी की कहानी को भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटस्टार पर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए दोस्तों इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है आधी रात को नित्य की कार खराब हो जाती है वह एक रायगिर विजय गोविंद से मदद मांगती है जो शर्त रखता है कि उसे एक बोतल शराब लानी होगी वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कुछ हफ्ते पहले विजय एक पारंपरिक व्याख्याता है जो एक मंदिर में गीता नाम की एक महिला को देखता है और उससे प्यार करने लगता है वह अपने नगर काकीनाडा के लिए बस में चढ़ता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन श्रीसा की शादी तय हो गई है उसे पता चलता है कि गीता उसकी सह यात्री है अपने दोस्त के सुझाव पर विजय गीता से दोस्ती करता है और फिर उसे लुभाता है वह उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है जब वह सो रही होती है लेकिन ड्राइवर ठीक उसी पर ब्रेक लगाता है और विजय गलती से गीता को चूम लेता है गीता जाग जाती है और अपमानित महसूस करते हुए अपने भाई फणिंदर को मदद के लिए बुलाती है जब गीता विजय की सफाई सुनने से इनकार कर देती है तो वह फणिंदर के उससे निपटने से पहले बस से कूद लगने वाली है। तो आप इस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को टेलीविजन के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी की क्लिप्स को इंस्टाग्राम एवं फेसबुक के माध्यम से भी एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर तो जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गीता गोविंदम मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है साथ ही दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में तो पंद्रह अगस्त दो में रिलीज़ हुई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गीता गोविंदम इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं तो दोस्तों इस प्रकार यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना सुब्बा राजू वैनिला किशोर राहुल राम कल्याणी एन अबे बेटी गांति आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में तो 10 में से 7.7 की दमदार आईएमडीबी रेटिंग भी इस मूवी को मिली हुई है साथ ही दोस्तों आपको बता दूं 100 परसेंट रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 100 परसेंट रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में तो 80 गूगल यूजर्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है तो दोस्तों इसी प्रकार यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर तो एक बार ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट ठ पाँच करोड़ के करीब रहा था साथ ही दोस्तों आपको बता दूं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ का कुल कारोबार भी किया था जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ का कुल कारोबार भी किया था दोस्तों अब बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी तो की कहानी तो को भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटस्टार पर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए दोस्तों इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है आधी रात को नित्य की कार खराब हो जाती है वह एक रायगिर विजय गोविंद से मदद मांगती है जो शर्त रखता है कि उसे एक बोतल शराब लानी होगी वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कुछ हफ्ते पहले विजय एक पारंपरिक व्याख्याता है जो एक मंदिर में गीता नाम की एक महिला को देखता है और उससे प्यार करने लगता है वह अपने नगर काकीनाडा के लिए बस में चढ़ता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन श्रीसा की शादी तय हो गई है उसे पता चलता है कि गीता उसकी सह यात्री है अपने दोस्त के सुझाव पर विजय गीता से दोस्ती करता है और फिर उसे लुभाता है वह उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है जब वह सो रही होती है लेकिन ड्राइवर ठीक उसी पर ब्रेक लगाता है और विजय गलती से गीता को चूम लेता है गीता जाग जाती है और अपमानित महसूस करते हुए अपने भाई फणिंदर को मदद के लिए बुलाती है जब गीता विजय की सफाई सुनने से इनकार कर देती है तो वह फणिंदर के उससे निपटने से पहले बस से कूद लगने वाली है। तो आप इस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को टेलीविजन के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी की क्लिप्स को इंस्टाग्राम एवं फेसबुक के माध्यम से भी एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर तो जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गीता गोविंदम मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है साथ ही दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट के बारे में तो 15 अगस्त 2018 में रिलीज़ हुई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गीता गोविंदम इस मूवी को डायरेक्ट किया है राम ने जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं तो दोस्तों इस प्रकार यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना सुब्बा राजू वेनेला किशोर राहुल राम कल्याणी एन अबे बेटी गांति आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में तो 10 में से 7.7 की दमदार आईएमडीबी रेटिंग भी इस मूवी को मिली हुई है साथ ही दोस्तों आपको बता दूं 100 परसेंट रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 100 परसेंट रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में तो 80 गूगल यूजर्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है तो दोस्तों इसी प्रकार यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर तो एक बार ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट ठ पाँच करोड़ के करीब रहा था साथ ही दोस्तों आपको बता दूं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ का कुल कारोबार भी किया था जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ का कुल कारोबार भी किया था दोस्तों अब बात करें इस मूवी की, की कहानी के बारे में तो इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी की कहानी को भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटस्टार पर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए दोस्तों इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है आधी रात को नित्य की कार खराब हो जाती है वह एक रायगिर विजय गोविंद से मदद मांगती है जो शर्त रखता है कि उसे एक बोतल शराब लानी होगी वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कुछ हफ्ते पहले विजय एक पारंपरिक व्याख्याता है जो एक मंदिर में गीता नाम की एक महिला को देखता है और उससे प्यार करने लगता है वह अपने नगर काकीनाडा के लिए बस में चढ़ता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन श्रीसा की शादी तय हो गई है उसे पता चलता है कि गीता उसकी सह यात्री है अपने दोस्त के सुझाव पर विजय गीता से दोस्ती करता है और फिर उसे लुभाता है वह उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है जब वह सो रही होती है लेकिन ड्राइवर ठीक उसी पर ब्रेक लगाता है और विजय गलती से गीता को चूम लेता है गीता जाग जाती है और अपमानित महसूस करते हुए अपने भाई फणिंदर को मदद के लिए बुलाती है जब गीता विजय की सफाई सुनने से इनकार कर देती है तो वह फणिंदर के उससे निपटने से पहले बस से कूद लगने वाली है। तो आप इस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को टेलीविजन के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी की क्लिप्स को इंस्टाग्राम एवं फेसबुक के माध्यम से भी एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर तो जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गीता गोविंदम मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है साथ ही दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट के बारे में तो 15 अगस्त 2018 में रिलीज़ हुई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गीता गोविंदम इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसू राम ने जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है परसुराम ने जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं तो दोस्तों इस प्रकार यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना सुब्बा राजू किशोर राहुल राम कल्याणी एन अबे बेटी गांति आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको दो घंटे और 48 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में तो 10 में से 7.7 की दमदार आईएमडीबी रेटिंग भी इस मूवी को मिली हुई है साथ ही दोस्तों आपको बता दूं 100 परसेंट रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 100 परसेंट रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में तो 80 गूगल यूजर्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है तो दोस्तों इसी प्रकार यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर तो एक बार ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट ठ पाँच करोड़ के करीब रहा था साथ ही दोस्तों आपको बता दूं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ का कुल कारोबार भी किया था जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ का कुल कारोबार भी किया था दोस्तों अब बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी की कहानी को भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होट स्टार पर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए दोस्तों इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है आधी रात को नित्य की कार खराब हो जाती है वह एक राहगीर विजय गोविंद से मदद मांगती है जो शर्त रखता है कि उसे एक बोतल शराब लानी होगी वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कुछ हफ्ते पहले विजय एक पारंपरिक व्याख्याता है जो एक मंदिर में गीता नाम की एक महिला को देखता है और उससे प्यार करने लगता है वह अपने नगर काकीनाडा के लिए बस में चढ़ता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन श्रीसा की शादी तय हो गई है उसे पता चलता है कि गीता उसकी सह यात्री है अपने दोस्त के सुझाव पर विजय गीता से दोस्ती करता है और फिर उसे लुभाता है वह उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है जब वह सो रही होती है लेकिन ड्राइवर ठीक उसी पर ब्रेक लगाता है और विजय गलती से गीता को चूम लेता है गीता जाग जाती है और अपमानित महसूस करते हुए अपने भाई फणिंदर को मदद के लिए बुलाती है जब गीता विजय की सफाई सुनने से इनकार कर देती है तो वह फणिंदर के उससे निपटने से पहले बस से कूद लगने वाली है। तो आप इस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों आपको बता दूं यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को टेलीविजन के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी की क्लिप्स को इंस्टाग्राम एवं फेसबुक के माध्यम से भी एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर तो जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद